पढ़ा रहा था तो एक लड़के ने कहा सर एक मैं शायरी बोलूं। हम कहे हाँ बोल सकते हो। जब मैं ये ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहा था तो लड़का शायरी बोला, तेरी नीली नीली आंखों ने मुझ पे ऐसा इफेक्ट किया कि मैंने सबको रिजेक्ट किया और तुमको सेलेक्ट किया। तो कहीं वाह वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा शायरी बोला। तब कहे अच्छा ये बोले बताओ क्या नीली नीली आंखें होती है, क्या नीली आंखें होती है? मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं क्या नीली आंखें होती है। तो मैं कह रहा हूं होती है। कैसे होती है? आज हम लोग यदि इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, ये हम लोगों का आंख है ना, उसी का स्ट्रक्चर है, आई जो होता है उसी का स्ट्रक्चर। और आज मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, ये पूरा ढूंढ लीजिए, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है, समझ आएगा एकदम, अपने लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ये हम लोगों का आंख है, हम लोगों का आंख कैसे काम करता है, कैसे कोई भी चीज दिखती है, कैसे हम लोग समझते हैं कि यह चीजें ये है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, समझना शुरू करते हैं। हम लोगों का आंख जो ऐसे दिखता है, राइट, ऐसे दिखता है। जब ऐसे दिखता है ना, राइट, ये ऐसे दिखता है तो बीच में देखो एक काला पार्ट होता है, राइट, और उसके अंदर देखेंगे तो और एक छोटा सा गोला होता है, छोटा सा गोला ए। और हम लोगों का आंख ऐसे दिखता है, कोना टाइप का, ऐसे कोना टाइप का दिखता है। अच्छा यदि हम लोग आंख को यदि टच करते हैं तो अंदर यदि देखते हैं ना, तो अंदर एक ऐसा लगता है कि अंदर अभी जा रहा है, ऐसे ही जाएगा वो, जो अंदर एक हमारा क्या एक बाल टाइप का, एक गोल जो है इसमें जेल भरा हुआ, एक पानी भरा हुआ बाल है, ऐसा लग रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शेप क्या है, एक बाल जैसे, मतलब इसका शेप जो क्या है, स्फीयर है, एक गोलाकार है। तो इसको बोल सकते हैं कि हमारा आई बॉल्स, और इसलिए बोला जाता है आई हमारा एक स्फेरिकल बाल, एक गोलाकार है, राइट। लेकिन वह आंख जो है यदि देखेंगे गोलाकार है, स्फेरिकल है, तो आगे लेकिन क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, आगे जो क्या होता है उभरा हुआ पार्ट होता है। और इस उभरे हुए पार्ट का नाम क्या है, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया, राइट। अच्छा देखो कार्निया उभरा हुआ पार्ट हो गया। अच्छा जब हम लोग आंख में देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा सफेद वाला पार्ट हम लोगों का होता है ना, तो जो सबसे ज्यादा हम लोगों का सफेद वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैलरा। क्या बोलते हैं? स्कैलरा। सबसे जो ऊपर सफेद वाला जो सबसे ज्यादा पार्ट हम लोगों का दिखता है वो क्या होता है, स्कैलरा। देखो यहां पर स्कैलरा क्या दिया, स्कैलरा, राइट। स्कैलरा एक लेयर के रूप में पूरा आंख के अंदर भी हम लोगों को ऐसे मिलेगा, स्कैलरा, ठीक है, वो जो व्हाइट के टर्म में पाया जाता है, राइट। इसके ऊपर एक बहुत बहुत पतली सी लेयर पाई जाती है, बहुत पतली सी लेयर पाई जाती है, जिसका नाम होता है कंजक्टिवा। क्या नाम होता है? कंजक्टिवा। जो इससे जो सफेद वाला हम लोगों का पार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर एक लेयर, बहुत पतली लेयर पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, कंजक्टिवा। इसका क्या काम भाई? इसका काम यह है कि हमारे यदि आंख में कुछ पड़ता है तो क्या करता है, पहले ही क्लियर कर देता है, गंदगी नहीं जाने देता, उसको छान करके किनारे कर देता। जब ये छान करके किनारे करते तो उसे कहते देखो आंख में गंदगी आ गई, देख ली भाई अपने आंख में भी तो चेक कर लो, कहीं आंख में तो गंदगी नहीं आएगी। गंदगी कौन छाटता है? कंजक्टिवा, राइट। और जो हम लोगों का ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये हम लोगों का आंख का रक्षा करता है। ये क्या करता है? हम लोगों का जो आंख है इन सब की क्या करता है, रक्षा करता है। एक लेयर के रूप में जो अंदर है इसकी क्या करता है, एक लेयर है, एक हमारा स्किन है, इसका स्कैलरा, जो हम लोगों का आंख के अंदर का जो है, ये अंदर क्या भरा रहता है सबसे ज्यादा, जो विट्रस ह्यूमर भरा, आंख के अंदर ही कहा जाता है क्या, यदि किसी का आंख जो ना पाना तो उसको फोड़ दो, मछली का आंख ले लो, जब खाते हो तो उसको लेकर के उसे चेक करो, उसको फोड़ो, जब उसको फोड़ोगे तो ये कुछ जेल टाइप का लिक्विड निकलता है। वो जेल टाइप का लिक्विड हमारे भी आंख में होता है, आपके भी आंख में, किसी यदि हम क्या बोलते हैं जानवर का ले लें, उसके सब में लेयर होते हैं, ये सब जो जेल टाइप का लिक्विड होता है सबका आंख एक हमारा स्फेरिकल बाल जैसे होता है। मछली की आंख कभी निकाल के देखो, मछली की आंख, चाहे कभी कोई यदि जो भी हमारा पोस्टमार्टम बॉडी होता है, अगर कभी जाने का मौका मिलता है वहां पर आंख यदि निकालने का कभी ऐसा मौका मिलता है, वहां पर हम लोग चेक देख सकते हैं कि आंख जो हम लोगों के बिल्कुल बाल जैसा होता है, एकदम बाल जैसा रहेगा, आगे का जो क्या रहता है ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ बल्गिंग पार्ट होता है, उसको कार्निया बोलते हैं, राइट। अब हम लोगों का ये आंख है, ये सबसे अधिक वाला जो पार्ट है ना, सबसे ये बीच में जो गोला है, ये आयरिस है। क्या है? आयरिस है। और आयरिस के अंदर ये जो छोटा वाला होता है इसको प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और ये हमारा क्या है? आयरिस हो गया। अब इसी प्यूपिल के अंदर यदि जाएंगे, छोटा सा एक लेयर होता है उसके प्यूपिल के, मतलब बीच में हम लोगों का जो होता है वो होता है लेंस लगा होता है, मतलब प्यूपिल के अंदर, राइट। अब ये देखो हमारा क्या है, आयरिस है। यहां पर क्या हमारा आयरिस का एक लेयर है, राइट, ये आयरिस है। और ये हमारा
लेंस, ये हमारा क्या है, लेंस है, राइट, ये हमारा क्या है, लेंस है। अच्छा, जब आयरिस और आयरिस के अंदर लेंस, मतलब ये हमारा पीपल है, पीपल के अंदर क्या होता है, लेंस लगा होता है, उसी को पीपल को ही लेंस बोलते हैं, राइट। अब देखो ये हम लोगों का काम कैसे करता है, यदि देखा जाए तो ये हमारा जो कार्निया है और कार्निया और आयरिस, कार्निया और आयरिस के बीच में कुछ जगह दिख रहा है, कार्निया और आयरिस के बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है, और इस खाली जगह में क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर भरा होता है, क्या भरा होता है, एक्वस ह्यूमर, जो फुल्ली रूप से ट्रांसपेरेंट होती है, फुल रूप से ट्रांसपेरेंट होती है, और लाइट जो पूरा इधर से कहीं नहीं जाता, ये सब हमारा एक बिल्कुल बेकार का चीज़ है, बस ये आँख की शोभा बनाने के लिए एक प्रकार से है, लेकिन लाइट हम लोगों का मेन जो है इसी लेंस वाले पार्ट से बच जाते हैं, मतलब पूरा पार्ट जो है यहाँ से नहीं जाते, बस यहीं से लाइट बस हम लोगों को पास करते हैं, और कहीं से लाइट पास नहीं करता है, राइट। यदि यही वाला हम लोगों का पार्ट खराब हो जाए, ये वाला पार्ट हम लोगों को खराब हो जाए, तो हमको दिखेगा भी नहीं, राइट, ये नहीं दिखेगा। अब रह गई बातें यार, तो हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता क्यों, तो दिखता कब है, जब हमारा यहाँ से कार्निया से लाइट पास करेगा और एक्वस ह्यूमर से पास करेगा, तब जाके हमारा क्या पड़ता है, लेंस पर पड़ता है, और लेंस जाके यहाँ से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करके और यहाँ पर क्या करता है, हमारा रेटिना पर इमेज बनाता है, कहाँ पर इमेज बनाता है, रेटिना पर। और जब रेटिना पर इमेज बनाता है, अब रह गई बातें, कभी कभी इमेज हम लोगों को दूर का भी बनाना पड़ता है, दूर की भी वस्तु देखना पड़ता है, नज़दीक की भी वस्तु, तो हम लोगों का जो लेंस होता है ना, ये मोटा पतला होता रहता है, जब दूर की वस्तु रहेगी तो क्या रहेगा कि लेंस पतला हो जाएगा, जब नज़दीक की वस्तु देखनी रहेगी तो लेंस मोटा हो जाएगा, राइट। अब देखो कैसे होता है, ये हमारे जो मैकुला है ना, मैकुला, ये मैकुला के सहयोग से, मैकुला के हेल्प से हमारा लेंस जो क्या करता रहता है, मोटा और पतला होता रहता है। पतला कब होता है, जब दूर की वस्तु को देखना रहता है, तो मैकुला क्या करता है, हम लोग का जो लेंस होता है क्या करता है, उसको मोटा कर देता है, सॉरी पतला कर देता है, जब नज़दीक की वस्तु देखना रहेगा तो मैकुला क्या कर देता है, लेंस को क्या कर देगा, उसको मोटा कर देगा, मोटा रहेगा तो पास के वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या करेगा, लेंस को पतला होना जरूरी है, राइट। अच्छा, हम लोगों की यदि आंख देखे कि स्फेरिकल बाल है, मतलब स्फेरिकल बाल है, इस टाइप का शेप है इसका, इस टाइप का शेप है, और इधर से यदि देखेंगे तो इस टाइप का शेप है, जब इस टाइप का शेप है तो हमारे यह एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यह हमारा एक हमारा आंख हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस का काम करता है। अब देखो जब नजदीक की वस्तु देखना रहेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसे मोटा हो जाएगा, राइट, और जब दूर की वस्तु देखना रहेगा तो लेंस हम लोगों को क्या हो जाएगा, ऐसे पतला हो जाएगा, राइट। अब देखो पतला होगा तो लंबा भी होगा, हाँ पतला होगा तो लंबा भी होगा, मोटा होगा तो छोटा होगा, राइट। हम लोग नजदीक की वस्तु देखने के लिए नॉर्मली ऐसे देख लेते हैं, ज्यादा दूर की वस्तु को देखने के लिए आंख फोड़ फोड़ के थोड़ा सा ये आंखें बढ़ाते भी है, बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते हैं, राइट, ये सब चीजें होते हैं, लेकिन कैसे होता है। अच्छा, हम लोगों को आंखें कम नीली दिखाई देती है, ये जो हम लोगों का जो आयरिस है, आयरिस है, ध्यान से देखिएगा, किसी का आयरिस जो अलग अलग कलर का होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का हल्का सा ब्लू होता है, जिस कलर का होता है उस कलर का वो लाइट रिफ्लेक्ट, क्योंकि लाइट हम लोगों का आंख पर पड़ेगी तो सब जगह पड़ती है ना, व्हाइट सेल्स पर भी पड़ेगा, हमारा जो ये ब्लू वाले पे भी पड़ेगा, जिधर कोई, तो आयरिस हम लोगों का जो आयरिस का कलर होता है सबकी आँख के अलग अलग होते हैं, तो जिसका जिस कलर से रिफ्लेक्ट होता है ना उसी को, तो किसी का आँख जो यदि मान के चलो ब्लू कलर को यदि जो आयरिस रहेगा वो आई ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट हो गया तो उसकी आँखें जो नीली नीली बोलते हैं लोग, राइट, अलग अलग लोगों की आंखें जो है, ये ऐश्वर्या राय के देख लो, उसका आंखें जो नीली है, उसका आंखें नीली है, आंखें पूरा आंख नीला थोड़े है, अरे उसका आयरिस का जो कलर है ब्लू है और ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए उसकी आंखें नीली मानी जाती है, राइट, तो नीली नीली आंखें समझ गए होगे। अब रहेगी बातें कि यार ये आयरिस जो होता है और आयरिस और पीपल, मतलब पीपल लेंस, राइट, आयरिस और लेंस। अच्छा, जब हम लोगों को क्या करना रहता है कि दूर की वस्तु देखना रहता है, जब दूर की वस्तु देखना रहता है तो आयरिस क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, आयरिस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जैसे मान के चलो आयरिस है तो आयरिस अपना साइज कम कर लेगा और लेंस का साइज बढ़ जाता है। देखो आयरिस और लेंस दोनों घटते बढ़ते रहते, ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट करने वाले हैं, आयरिस और लेंस मिलकर के क्या करते हैं, दोनों सहयोग करते हैं। अच्छा, जब दूर की वस्तु देखना रहेगा तो आंख थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करने का मतलब क्या होता है कि आयरिस जो है अपना साइज छोटा करेगा और लेंस जो क्या हो जाएगा, इतना बढ़ करके बड़ा हो जाएगा, लेंस का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जब नजदीक की वस्तु देखना रहेगा तो क्या करेगा, लेंस जो छोटा हो जाएगा और आयरिस अपना साइज बढ़ा लेगा,
राइट, नजदीक वस्तु है तो आयरिस क्या हो गया, बड़ा कहकर उसको क्या करेगा, छोटा कह लेगा, राइट, एक चारों से ढक लेगा। लेकिन कभी कभी हम लोगों का ये भी होता है कि जैसे सपोज करो हम लोग इस लाइट में पढ़ रहे हैं और लाइट में पढ़े तो अचानक जो लाइट चली गई, जब अचानक चली गई तो हम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता, एबीसीडी कुछ है। कभी सिनेमा हॉल में यदि आप गए होंगे तो यदि सिनेमा हॉल में जाते हैं उधर को मूवी देखने, तो मूवी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जैसे अचानक जब लाइट ऑफ होती तो उस समय कुछ नहीं दिखता है, लेकिन धीरे 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 हम लोगों को सब कुछ दिखने लगता है, चेयर वेयर सब कुछ दिखने लगता है। दिखता कि नहीं दिखता है, दिखता है, राइट। फिर से कभी कभी अंधेरा में रहे और अचानक ज्यादा लाइट आ जाए तो भी हम लोगों को नहीं दिखता है, चकाचौंध हो जाता है। आपके सामने यदि ज्यादा लाइट आ जाए, सन हम लोगों के यदि सर पर है और उसको देख लें तो दिखता तो कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद सन को देखने के बाद सामने देखेंगे तो कुछ नहीं दिखता है, चकाचौंध हो जाता है। चकाचौंध कब होता है यार, ये सब चीजें हम लोगों को समझते हैं। अच्छा, समझना बड़ा जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं कि जब ये होता क्या है कि जब लाइट यहां से जाती है, किससे जाती है, सीधे हमारे लेंस से पास होकर के जाएगी, और जब लेंस से पास होकर के जाती है, लेकिन यह लेंस का साइज घटता बढ़ता है, तो जब कम लाइट रहेगी, जब कम लाइट रहती तो क्या होता है कि लेंस जो अपना साइज कम कर, सॉरी लेंस का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो लेंस का साइज क्या होगा, जब बढ़ेगा तो आयरिस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट। अब लेंस बड़ा है, लेंस बड़ा है और आयरिस का साइज छोटा है, तो इस समय हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन अंधेरा में जब रहते हैं तो हम लोगों को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, आंख को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, को जो हम लोगों का लेंस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, लेंस का साइज बढ़ेगा उस समय। अब जब अंधेरा है लेकिन अचानक जब लाइट गई, जब अचानक लाइट गई तो जैसे ही अचानक लाइट गई तो हम लोगों को मान के चलो कि ये प्यूपिल है जो लेंस है इतना साइज था, जैसे जब अचानक लाइट गई तो इतना पर इसको देखने का साइज जो कुछ और था, लेकिन जैसे लाइट गई इतना पर वस्तु दिख नहीं रही है, कुछ भी दिखेगा नहीं, तो आयरिस कहेगा देख भैया अब तेरे को इतना में काम कर पड़ेगा नहीं, अब तू अपना साइज बढ़ा ले। जैसे अंधेरा गया तो अब ये साइज अपना क्या करेगा, लेंस का साइज बढ़ा देगा, लेंस का साइज क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब लेंस का साइज बढ़ाना पड़ेगा तो आयरिस अपना साइज छोटा करेगा, तो इतना से इतना टाइम जो लगेगा एडजस्ट करने में उसी समय तक नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही इतना एडजस्ट कर लिया प्यूपिल लेंस तो हमको वस्तुएं दिखने लगती है, राइट। अब पूरा देख रहे तब तक अचानक लाइट आ गया, अचानक लाइट आ गया, अब इतना पर तो उसको कुछ और चीजें देखने की जरूरत थी, अब अचानक लाइट आ गया तो अपना साइज धीरे धीरे छोटा करेगा, क्योंकि अब नॉर्मल से में हो जाएगा, जब ज्यादा छोटा करेगा तो क्या हो जाएगा, तब जब एडजस्ट हो जाएगा फिर से वस्तुएं दिखने लगेगी। अब देखो ये हम लोगों का लेंस है ना, ये एक प्रकार से हम लोगों का जो लाइट होता है, लाइट में भी एनर्जी होती है, लाइट में भी एनर्जी होती है, और लाइट एक प्रकार से थोड़ा सा हीट एनर्जी भी क्रिएट करता है। यदि ये जो इमेज बनता है यहां से जब लाइट जाती है ना, जब लाइट जाती है तो कहां पर गिरती है, रेटिना पर गिरती है, और रेटिना जो बहुत ही पतला लेयर है, और यह हमारा एक इलेक्ट्रिकली जो है इसमें फोटो रिसेप्टर लगे होते हैं, और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इमेज बनाता है। जो यहां पर इमेज बनता है रेटिना क्या करता है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, रेटिना क्या करता है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व को भेजता है, और ऑप्टिक नर्व किसको भेज देता है, माइंड को, और जो माइंड को भेज देता है तो माइंड पता अच्छा ये मोबाइल है, माइंड बताता है, यदि माइंड में फिट ही नहीं रहेगा तो नहीं बता पाएगा। तो क्या करता है, यहां से इमेज बना रेटिना पर, और रेटिना क्या करता है, रेटिना में बहुत सारे फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ऑप्टिक नर्व को देता है, और ऑप्टिक नर्व किसको भेज देता है, माइंड को, राइट। लेकिन जब अचानक जब आपकी आंख पर लाइट डाली जाती है, अचानक टार्च ले लो और आपकी आंख पर लाइट डाली जाए, आप सन को देखे अचानक लाइट जब डाली जाएगी, उस केस में क्या होता है कि जब हमारी आंख में ज्यादा लाइट चला जाए, लेंस का साइज पूरा बड़ा रहे और आंख में ज्यादा लाइट गया, ज्यादा लाइट गया जो रेटिना जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है। अब रेटिना इतना सेंसिटिव है कि ज्यादा जब लाइट जाएगा तो रेटिना खराब हो गया, और जब रेटिना खराब हो गया तो रेटिना एक प्रकार से पर्दा है, हम लोग यहां से फोटो भेज रहे हैं तो वहां पर एक प्रकार से फिल्म बन रहा है, वो पर्दा है रेटिना। अब रेटिना खराब हो गया तो कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया, तो रेटिना को भैया बचाना जरूरी है, रेटिना बचा रहेगा तब तो तुम कुछ दो, तुम्हारे रेटिना पर कुछ इमेज बनेगा तभी ना, कुछ रेटिना खराब होगा ले कहते सब आंखें भड़क गया ना।
अब देखो तो रेटिना को भी बचाना, लेंस कहता है कि देखो भाई हमको जल्दी से कम करो, जल्दी से कम करो, तुरंत जो आयरिस अपना साइज क्या करता है, बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बढ़ाता है और तुरंत बढ़ा करके लेंस का साइज छोटा कर देता है। अब जब लेंस का साइज छोटा कर देता है तो तुरंत हमारा इमेज यहाँ पर जितना दिखेगा, जितना लाइट जाएगा उतना का इमेज बनेगा, नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा। तो लेकिन जब ज़्यादा लाइट करता है ना तो क्या करता है, आयरिस पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। जब पूर्ण रूप से कवर कर लेता है लेंस को तो कुछ लाइट पास नहीं, क्योंकि ज़्यादा जाएगा तो लाइट नुकसान करेगा ना, किसको नुकसान करेगा, रेटिना को, राइट। ओके, तो अंधेरा रहता है तो हम लोगों को ज़्यादा लाइट चाहिए, तो इसलिए क्या करता है, लेंस का साइज बढ़ जाता है, राइट। और जब उजाला रहता है तो लेंस का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, ज़्यादा उजाला ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों का लेंस का साइज, और क्योंकि ज़्यादा लाइट नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा उल्लू का हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को दिन में ही तो उल्लू का जो होता है ए पीपल लेंस जो होता है दिन में एकदम कम हो जाता है, उसका लेंस एकदम जो छोटा हो जाता है, रात में उसका लेंस जो नॉर्मल होता है, हम लोगों का इस समय जो लेंस नॉर्मल है दिन के टाइम में, लेकिन अभी ज़्यादा लाइट डाल दो तो उसका लेंस का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट जाएगा नुकसान करेगा। तो लेंस का साइज जो घटता बढ़ता रहे क्योंकि अंदर ज़्यादा लाइट न जाने पाए, अंदर ज़्यादा लाइट चला जाएगा तो हमारा रेटिना खराब हो जाएगा, जब रेटिना खराब हो जाएगा तो जिस पर इमेज बन रहा पर्दा खराब हो गया, जब पर्दा ही खराब होगा तो ना तो सिग्नल भेजेगा कुछ ना भेजेगा। अब इधर के जो बहुत सारे हम लोगों के आँख में देखेंगे इधर से नसे टाइप का दिखती है, अब सोचिए नस जो होता है ना, ये नस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक ब्लड, सॉरी ये ब्लड वेसल है, आई ब्लड वेसल है, आई ब्लड जो आंख की नसी है ये ब्लड वेसल है, ऑप्टिक ब्लड वेसल, राइट। ये हमारे क्या करती है, इस वेसल्स के थ्रू हम लोगों को आंख के अंदर में जो ब्लड की जहां पर जरूरत होती है तो वहां पर देता है। अब देखो इंटीरियर चैम्बर है जिसमें आगे वाला चैम्बर जो खाली जगह है इंटीरियर चैम्बर है, और यहाँ वाला जगह जो है ये हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है, यहाँ यहाँ वाला जगह इसको पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। अब जो एक्वस ह्यूमर बनता है असल में तो यह एक्वस ह्यूमर हमारा पोस्टीरियर चैम्बर में बनता है, चैम्बर मतलब एक खाली जगह है, चैम्बर कहते हैं ना ये चैम्बर वो चैम्बर, वैसे खाली जगह है हमारा ये जो इंटीरियर चैम्बर है इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है, और एक्वस ह्यूमर एक्चुअली प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में, लेकिन पोस्टीरियर चैम्बर से क्या करता है इसमें इंटीरियर चैम्बर में शिफ्ट होता रहता है, राइट। ओके, अब सपोज करो अगर किसी का आंख यदि है, रात के टाइम में ऐसी गलती मत करना, और आंख में यदि सुई लेकर के हल्का सा बस तुम छेद दिए, जैसे हल्का सा छेद दिए तो कार्निया के बाद जो एक्वस ह्यूमर में तुरंत ये एक्वस ह्यूमर बह गया, और जैसे एक्वस ह्यूमर बह गया कांगे समा के फूट गया। किसी का आंख पर अगर ढेला वाला किसी ने चला दिया, मान के चलो ये तो अब इस पर जाएगा तो आंख तो ये तो एक्वस ह्यूमर पहले फट जाएगा, विट्रस ह्यूमर में बर्बाद हो जाएगा, राइट। विट्रस ह्यूमर भी क्या हो जाएगा, बर्बाद होगा। जैसे जब विट्रस ह्यूमर बह गया तो कहाँ तुमको इमेज इमेज कुछ बनेगा ना, जैसे एक खत्म हुआ तुरंत रेटिना रेटिना स्केलेरा स्केलेरा सब कहानी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएंगे सब, राइट। ये खराब हो जाएगा और हम लोगों का आंख जो है खराब हो जाएगा और आंख जो वर्क नहीं करेगा, राइट। तो लेंस जो होता है लेंस यह है लेंस, लेंस का साइज हम लोगों को हमेशा क्या करता है घटता बढ़ता रहता है, और कौन घटाता बढ़ाता, आयरिस, आयरिस और लेंस को समझना बड़ा जरूरी है। और यह जो एक्वस ह्यूमर ये सब हमारे क्या है कि एक फुल्ली वाटरी लिक्विड है, बिल्कुल जेल टाइप के हो रहे हैं, इसमें 99% वाटर ही रहता है और 1% में विटामिन प्रोटीन ये सब भरे रहते हैं, राइट। ये सब चीज़ें जो क्या करते हैं फुल्ली ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि यदि मान के चलो कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहता तो यहाँ पर से लाइट जाता तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, हमारे यहाँ पर जो लेंस पर लाइट नहीं सही जाएगा, लाइट जब यहाँ से सही, यदि ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर इमेज नहीं सही बनेगा। अब किसी का जो है ये हमारा विट्रस ह्यूमर में गंदगी आ जाती है, खाओगे पियोगे नहीं भैया अंत संत खाओगे तो हमारे यूट्रस उम्र हो गया एक्वस उम्र गंदे गंदे भर जाएंगे, और जब गंदे गंदे भर जाएंगे तो क्या हो जाएगा गंदा हो जाएगा, कहकर धुधला धुधला दिख रहा है तो क्या करते कहते लेंस वह खराब हो गया। अरे भैया धुधला जब ये यही खराब हो गया तो कहां से काम करेगा, लेंस सही रहते हुए भी धुधला दिखाई देता है, राइट। अब लेंस यदि खराब होता है तो इस पर जो पर्दा वर्दा पड़ जाता है तो क्या करते हैं कहते हैं सब आँख खुलवाने गया, तो आँख खुलवाने गया तो एक पतला सा लेंस जो बहुत पतला लेयर में इसी लेंस के आगे बैठा दिया जाता है, इसी के आगे बैठा दिया जाता है, पतला अभी थोड़े जो है वो घटेगा बढ़ेगा, घटना बढ़ना तो इसी का काम है, अभी इसी हिसाब से एडजस्ट करेगा, तो लेंस जो है लगा दिया जाता है किसके आगे, इसी आँख के आगे जो छोटा सा है ना ये आयरिस इसी के साइज में, क्योंकि इसी के साइज में क्या करते हैं इसको सेट कर दिया जाता है। अब इतना सेज कर दिया जाए जब आँख खुलवाने जाएंगे तो आयरिस अपना घटता बढ़ता रहा उसके हिसाब से वो लेंस पास करना करता रहता है, राइट। तो आँख खुलवाने जाते तो यही पर क्या करते उसके आँख के ऊपर यहाँ पर एक लेंस जो है फिट कर दिया जाता है,
जो आदमी द्वारा बनाए गए रहते हैं हम लोग बनाते हैं, तो डॉक्टर सब क्या करते हैं सेट कर देते हैं। पर जब सेट कर देंगे तो पहले लाइट उस लेंस से पास करेगी तब जाके उस पर पास करेगी, राइट, कन्वेक्स लेंस से सेट किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों का आँख जो काम करता है, आँख कैसे, अब पता चल गया कि आँख नीली कैसे होती है, कैसे हम लोगों का आँखें जो ब्राउन होती हैं, अधिकतर लोगों की आँखें ब्राउन होती है, ठीक है, काली होती है, जिस प्रकार का वो हमारा आयरिस का साइज रहेगा वैसे हम लोगों का आँखें दिखती है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा कि आँख कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, राइट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना, समझ में आए तो यार इस वीडियो को लाइक तो कम से कम जरूर करो, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कर दो यार।